नमस्कार दोस्तों, नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर मचे बवाल के बाद देश भर में अशांति फैल गई है, जिसके कारण रांची में 33 घंटे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। हाल ही में उदयपुर में भी धारा 144 लगा दी गई, साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। आपके मन में सवाल तो उठता ही होगा कि सरकारें क्यों इंटरनेट सेवा को बंद कर देती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों सरकारें इंटरनेट सेवा बंद कर देती हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं और सबसे ज्यादा कौन से देश में इंटरनेट को बंद किया गया है। इंटरनेट सेवा बंद जब की जाती है, जब देश में अशांति जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो सरकार को कुछ बड़े कदम लेने पड़ते हैं। सांप्रदायिक या राजनीतिक तनाव की घटना में इंटरनेट पर मौजूद मैसेजिंग एप्स या सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज तेजी से वायरल होती है। इसे हिंसा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने और दूसरी तरफ हिंसक गतिविधियों में शामिल होती है। जब भी ऐसी घटनाएं उग्र रूप लेती हैं, तब सरकार इंटरनेट सेवा बंद कर देती है, जिससे देश का माहौल खराब ना हो पाए। इंटरनेट बंद होने पर अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, हवाई जहाज, कारोबार, सामाजिक जीवन, बच्चों की पढ़ाई आदि कई चीजों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 4 दशक पहले दुनिया में एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेट का नामो निशान भी नहीं था। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था, मगर आज ज्यादातर लोग इंटरनेट के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में कामकाज ठप हो गया, लोग घरों तक सीमित हो गए। ऐसे में इंटरनेट ही एक ऐसा विकल्प था जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया। पूरी दुनिया इंटरनेट पर ही निर्भर हो गई। जैसे सांस लेने के लिए हवा जरूरी होती है, वैसे ही आज दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों क्षेत्रों को संपन्न करने के लिए इंटरनेट जरूरी है। बाजार से लेकर संचार तक उद्योग धंधों का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर टिका है। इंटरनेट ने आज हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हर काम आसान हो गया है। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में लगभग 4.72 अरब सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। भारत में ही तकरीबन 65 करोड़ लोग से भी ज्यादा इंटरनेट से जुड़े हैं। ऐसे में अगर इंटरनेट सेवा को बंद किया जाए तो एक तरह से जीवन ही रुक जाएगा। इंटरनेट बंद करने में दुनिया भर के देशों में भारत सबसे आगे है। भारत में इंटरनेट ही ऐसा ही बंद नहीं किया जाता, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। केंद्रीय राज्यों के गृह सचिव इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर देते हैं। यह ऑर्डर SP या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी के माध्यम से भेजा जाता है। वह अधिकारी सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटरनेट सर्विस कुछ समय के लिए ब्लॉक करने के लिए कहता है। ऑर्डर को वर्किंग डे के भीतर केंद्र राज्य सरकार के रिव्यू पैनल के पास भेजना होता है। इस रिव्यू पैनल को 5 दिन में इसकी समीक्षा करनी होती है। केंद्र सरकार के रिव्यू पैनल में कैबिन सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी होते हैं। वहीं राज्य सरकार में दिए गए आदेश के रिव्यू पैनल को चीफ लॉ सेक्रेटरी और एक कोई अन्य सेक्रेटरी शामिल रहता है। इमरजेंसी की स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव के द्वारा अधिकृत किए गए ज्वाइंट सेक्रेटरी इंटरनेट बैन करने के लिए आदेश दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए 24 घंटे के भीतर केंद्र या राज्य सरकार के सचिव से इसकी मंजूरी लेनी होती है। साल 2011 में पहली बार भारत में इंटरनेट पर रोक लगी थी। उस साल कुल 3 बार इंटरनेट को बंद किया गया था। उसके बाद से अब तक करीब 558 से भी ज्यादा बार इंटरनेट को बंद किया जा चुका है। इसमें ज्यादातर कश्मीर में इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया है, जिससे वहां पर आतंकी गतिविधियों को रोका जाए। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। उसके बाद तो ना जाने कितने राज्यों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के मामलों में हमारा स्थान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की कोई पाबंदी नहीं है और ना ही यहाँ सरकार की आलोचना करने की मनाही है। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर अस्थायी पाबंदी लगाई जाती है, वह भी
कुछ घंटों के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि इससे किसी व्यक्ति की आजादी का हनन किया जा रहा है। अगर हिंसा और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए अगर सरकार इस तरह की पाबंदियां लगाती है तो वह गलत नहीं ठहराया जा सकता। अभी हाल ही में श्रीलंका में हुए आत्मघाती हमले के बाद वहां की सरकार ने भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया, और ऐसी परिस्थिति में किसी भी देश की सरकार इस तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार सुरक्षा के कारणों से इंटरनेट पर पाबंदी लगाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था को इससे भारी नुकसान पहुंचता है। इससे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। आज का पूरा सिस्टम कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा है। जीवन के हर कदम पर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट बंद होने की वजह से आपको अपने मोबाइल पर खबरें नहीं मिल पाती, बैंक का कामकाज ठप हो जाता है, पेटीएम एटीएम के जरिए डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते, ऑनलाइन शॉपिंग रुक जाती है, रेलवे हवाई जहाज की टिकट बुकिंग रुक जाती है, ओला उबर जो सफर के लिए कैब की फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, खाने पीने के लिए स्विगी और जोमैटो जैसी ऐप का इस्तेमाल रुक जाता है, आदि ऐसे बहुत से व्यापार हैं जो इंटरनेट से चलते हैं वो सभी रुक जाते हैं। इससे सरकार को तो घाटा होता ही है, साथ ही उन लोगों का भी नुकसान होता है जिनका रोजगार इंटरनेट से चलता है, उनको तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरी राय में इंटरनेट बंद करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि सरकार को अपनी कानून व्यवस्था को कठोर बनाना चाहिए और जोर देना चाहिए कि राज्यों में दंगे जैसे हालात पैदा ना हो पाए, शांति की व्यवस्था बनी रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।